हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोती वर्क राधे राधे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्यारा सा वॉल हैंगर, जैसा कि आप सभी देख सकते हो। तो इसे कैसे बनाना है, इसे जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सको। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब बताते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, आपके सामने रखा हुआ है रेड कलर में फ्लावर और वाइट कलर में हार्ट शेप। इसे कैसे बनाना है तो ये आपको जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, और वहाँ पे मैंने इन दोनों वीडियो की लिंक दी है, हार्ट शेप की भी और फ्लावर की भी। तो आपको वहाँ से इसे बनाना होगा। उसके बाद इसे हम एक प्यारा सा छोटा मोटा कहिए या बड़ा कहिए, साइज कैसे बढ़ाना घटाना ये मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद इसे कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। हमें हार्ट शेप का यूज़ करना है और इस फ्लावर का यूज़ करना है। टोटल फ्लावर मैं 4 यूज़ कर रही हूँ, बट अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो तो उस हिसाब से 6 या 8 या 10, जैसा आप चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि हार्ट शेप जो है इसे बड़ा छोटा बनाने के लिए क्या करना है, और फ्लावर हमारा यही साइज रहेगा। बट अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो ये जो 6 मोती का घर हमने बनाया है इसे आप बढ़ा के बना सकते हो। मैंने फ्लावर वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो आप वहाँ से इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ के इसे बना लीजिए। अब आगे क्या करना है, तो इसे हम क्या करेंगे, ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर को लेकर, इस फ्लावर को लेकर हमें इसके ऊपर इसे ज्वाइन करना है। तो मैं दो ही ज्वाइन करूँगी। अगर आप ज़्यादा ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर मैं 2 यहाँ करूँगी और 2 यहाँ पे करूँगी। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है इतना ही बनाने पे, जब ये पूरा बन जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। तो इसे ज्वाइन कैसे करना है ये चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, जो है मैं फ्लावर ज्वाइन करने वाली हूँ, तो इसके लिए आप यहाँ पर मैंने गांठ लगा लिया है, ठीक है। आप जहाँ पर चाहें यहाँ पे फ्लावर ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर यहाँ से करना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, बट मैं पहला फ्लावर यहाँ पे ज्वाइन करूँगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने गांठ लगा लिया है। उसके बाद मैं लूँगी एक मोती वाइट कलर की, और ये मैंने मोती ली वाइट कलर की। अब मैं लूँगी फ्लावर, और फ्लावर का ये जो मोती है इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और बाहर भी निकालूंगी इस तरीके से। ये देखिए, पीछे से मैंने बाहर भी निकाल लिया। अब बाहर निकाल लिया और फिर एक लेंगे वाइट कलर की मोती, और इसे लेने के बाद यहाँ पे जहाँ हमने गांठ लगाया हुआ है उसके पीछे से ऐड करेंगे धागे को। और फिर इसे हम खींच देंगे, तो ये एक तरफ से ऐड हो गया बहुत ही आसानी से। ये देखिए यहाँ पे हम जब खींचेंगे तो ये मोती बराबर में बैठ जाएगी, है ना। तो अब ये तो ऐड हो गया, बट अब हम आ जाएंगे इसके बगल में जो मोती है उसके अंदर। और फिर आ जाएंगे इस मोती के अंदर, उसके ऊपर जो मोती, यानी हमारा धागा इस मोती में था, फिर इसमें आया, फिर इसमें। अब इसमें आने के बाद यहाँ भी सेम एक मोती लेंगे हम। अब एक मोती मैंने धागे में ऐड कर लिया है, और इसमें भी इसके पीछे ये जो मोती है इसके अंदर से धागे को ऐड करके बाहर की तरफ निकाल लेंगे इस तरीके से। और फिर एक मोती लेंगे, और फिर एक मोती लेने के बाद इसी के अंदर ऐड कर देंगे, और ये हमारा ऐड हो गया इस तरीके से। अब ये ना गिरेगा ना टूटेगा, कुछ नहीं होगा। अब आ जाएंगे ऊपर वाली जो मोती होगी उसके अंदर। यहाँ पे हमें अब कुछ नहीं करना है, पीछे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे गांठ और इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए,
मैं 2 गांठ लगा रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा सकते हो। और इसे हम कट कर देंगे और ये जो है हमारा फ्लावर ज्वाइन हो गया। इसी तरीके से हमें जितना हम चाहें उतना फ्लावर ज्वाइन कर सकते हैं। तो और इसी तरीके से हम यहाँ भी ज्वाइन कर लेंगे, आप जितना गैप करना चाहते हैं उतना गैप करके उसके बाद ज्वाइन कर सकते हो। और इसी तरीके से यहाँ भी ऐड कर लेंगे और एक यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा शेप बन जाएगा। तो चलिए इसे ऐड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। दोस्तों आप इस तरीके से देख सकते हो मैंने कि फ्लावर ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे मैंने 3 फ्लावर ज्वाइन किया है और यहाँ पे 2 किया हुआ है। मैंने यहाँ पे दो ही करती, बट मैंने सोचा एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो कर लिया है। बट कितना अच्छा लग रहा है और कैसा लग रहा है देख लीजिए आप। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लटकन। तो लटकन कैसा ऐड करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहें वैसा ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास जो है मैं वो ऐड करी हूँ। और वो क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हो ये लटकन है और इसका मैं यूज़ कर रही हूँ। ऐसा हमें 3 बनाना है, 2 मैंने बना लिया है, और इसे कैसे बनाना है ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने इस धागे का यूज़ किया है, जो कि एक अलग धागा होता है कपड़े उपड़े सिलने का होता है, मोटा धागा होता है, इसका नाम मुझे नहीं पता है। तो ये धागा का मैंने लिया हुआ है और सुई में ऐड करने के बाद सबसे पहले ये जो बैल होते हैं उसको हम ऐड करेंगे। और इसके बाद इसे ऐड करने के बाद ये जो दूसरा इसका ये है इसे भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि इस धागे को भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये जो नॉर्मल मोती है, ऐसे 5 पीस, ये 2 हुआ हमारा और ये हुआ 4, और एक और ऐड करेंगे। और इसके बाद हम ऐड करेंगे ये हार्ट शेप का जो लटकन होता है वो। तो पहले इसके अंदर ऐड करेंगे, इसके बाद हम लेंगे 2 रेड कलर की मोती, ये, और इसके बाद ऊपर वाले में ऐड करेंगे। अब फिर से हम 5 मोती ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा लटकन है ये बन गया है और ये भी हमारा तैयार है। तो मैं तीन लटकन का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप बहुत हेवी बनाना चाहती हो तो सारे मोती में यूज़ कर सकते हो, बट मैं 3 ही यूज़ करूँगी। सबसे पहले ये वाला हमारा है, तो सबसे पहले जो मोती है सबसे किनारे में जो बीच में है उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। ये इस तरीके से ऐड हो गया। अब हम आ जाएंगे पीछे की तरफ और पीछे गांठ लगा लेंगे और इसे कट कर देंगे। तो इसमें आ जाएंगे हम। तो अब इसे हम लगा देंगे गांठ। कहीं भी लगा सकते हैं हम, यहाँ या फिर यहाँ। नीचे हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये ऊपर से जो है गांठ दिखाई ना दे। ऐसे दिखाई भी देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं दिखाई देगा तो और अच्छा रहेगा। तो ये हम गांठ लगा दिए, और चाहें तो लगा सकते हैं, बट फिलहाल मैं एक ही रखती हूँ। और फिर कट कर देंगे। तो ये हमारा एक लटकन लग गया है। अब दूसरा लटकन मैं यूज़ करूँगी। तो मैं लगाऊँगी एक लटकन यहाँ पे, यानी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7वें मोती के पास, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, हम 7 मोती छोड़ के 7वें मोती के बाद ऐड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। और मैं उसके बाद यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये ऐड हो गया। अब हम आ जाएंगे पीछे की तरफ और यहाँ भी हम सेम गांठ लगा के और कट कर देंगे। ये 1 हुआ और ये 2 हो गया। ये भी हमारा 2 लग गए लटकन हमारे। अब एक और लगाएंगे, यहाँ भी हम 7 मोती छोड़ के ही लगाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ भी मैं 7 मोती छोड़ के उसके बाद इसे ऐड कर रही हूँ।
और ये हमारा एंड हो गया। अब हम आ जाएंगे पीछे की तरफ और यहाँ पे लगा देंगे गार्ड। और फिर कट कर देंगे। और इस तरीके से हमारा जो वॉल हैंगर है पूरी तरीके से बनके कंप्लीट है, आप देख सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये था हमारा प्यारा सा वॉल हैंगर। और एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों, आपने काफ़ी कमेंट कर रहे हो सेंटा क्लॉज के पार्ट के लिए, सो मैं उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ये वीडियो कैसा लगा बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए होंगे तो। चलिए टेक केयर, बाय बाय।